जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट कट में इस कंपनी को आप एनसीएल रिसर्च के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी चूंकि मार्केट बंद है तो यहाँ पे पहले की ही तेज़ी दिखा रही है, जो एक दिन में 13.5% से ज़्यादा इसमें उछाल है। आपको पता है कि एनसीएल रिसर्च में इन दिनों काफ़ी तेज़ी आई हुई है, जिसको लेकर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या ये मैनिपुलेशन है या इसमें इसके काम के बदौलत ये तेज़ी आई है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल सुबह शुरू से करते और हर एक पहलू को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि एनसीएल रिसर्च फ्यूचर के लिए सही कंपनी हो सकता है कि नहीं, नए लोगों के इन्वेस्टमेंट और साथ में जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या अभी रणनीति रहेगी, सभी मुद्दों पर बात होगी। तो काम की बात कर सबसे पहले, तो एनसीएल रिसर्च आपको पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, बैंक की तरह काम करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है और इससे जो इंटरेस्ट मिलता है कंपनी का उस तरीके की इससे इसकी कमाई होती है। साथ में थोड़ी बहुत ये जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट में भी लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट करती है और उससे भी इसको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ये तो हो गई काम की बात। काम के भी हाफ पे कर सकती है कंपनी, आगे ग्रो कर सकती है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने वाली जो भी कंपनियां हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, सब में समय समय पर तेज़ी आती रहती है और फ्यूचर के लिए सही भी होती है। इसके यदि हम लोग फंडामेंटल को डिस्कस करें तो एनसीएल रिसर्च के बारे में हम जानते हैं कि तकरीबन 63 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। हालांकि बढ़कर इतना हुआ है जब इसमें तेज़ी आया, तो पहले 63 करोड़ के आसपास मार्केट कैप नहीं था। मार्केट कैप आपको पता है कि शेयर के उतार चढ़ाव से भी कम और ज़्यादा होते रहता है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 34 के आसपास है। पेनी स्टॉक का पी महंगा होता ही है, फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इसके बुक वैल्यू से कम है। करेंट प्राइस जो होता है, शेयर प्राइस जो होता है, बुक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी जो दोनों देखेंगे तो पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं है। हालांकि 1% के आसपास होता तो ज़्यादा बेहतर होता, फिर भी ये जो एनसीएल रिसर्च कंपनी है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कभी भी माइनस में नहीं जाता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा के दे ही देती है। अब चलिए सीधे चलते हैं एक साल के चार्ट पर और एक साल के चार्ट पर आपको बताते हैं कि क्या इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बना है, इसके पीछे की वजह क्या है और तेज़ी कितने समय तक बनी रह सकती है। सबसे पहले देखेंगे तो जब मैंने पिछली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि तकरीबन ये जून से ही ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और आपको मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज होता है, दो प्राइस के बीच में फंसा हुआ हो, जब भी कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलता है तो सामान्यतः ज़्यादातर चांस होता है, तकरीबन 90% से 95% चांस होता है कि कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर कंसोलिडेशन इसको ब्रेक किया और देख सकते 40 पैसा सीधे इसको प्राइस किया है, तकरीबन 60 पैसा तक। यदि आपके पास पेशेंस है तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। जिन लोगों ने पेशेंस के साथ उसमें बना रहा होगा, इस कंपनी में विश्वास रखा होगा, उसके बाद उनका पैसा डबल ट्रिपल हुआ होगा या और आगे भी इस ये हो सकता है। जिन लोगों ने कंसोलिडेशन उसको देख के पैसा लगाया होगा, जो लोग ये बात जानते हैं कि कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक में तेज़ी आती है, तो उनका पैसा भी इसमें अच्छा खासा बना होगा। अब जो नए लोग हैं उन्हें क्या करना है, देखिए बाबू जो नए लोग हैं उन्हें अभी इसमें तुरंत कूदना नहीं है, तुरंत इसमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हाई लेवल पर जाकर बाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अभी होगा प्रॉफिट बुकिंग। और जब भी किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वहाँ से प्राइस क्या होता है, डाउन आता है, थोड़ा सा आएगा रिट्रेसमेंट मारना और रिट्रेसमेंट मार कर फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठेगा। जब प्राइस यहाँ से डाउन आने लगे 50 पैसा के आसपास आए और इसके बाद जब आप उठते हुए दिखे तो फिर यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अभी आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, जिसका इन्वेस्टमेंट है उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। एवरेजिंग अभी मत कीजिएगा, जब प्राइस थोड़ा नीचे आएगा वहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आपको पता है कि कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है इसमें कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए दिखा। हालांकि कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मतलब सेल्स ठीक ठाक ही रहता है, कंपनी का जो सेल्स है ये कभी आपको निराश नहीं करता है। सेल्स के जो बदौलत है, इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखते हैं आप, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा, तकरीबन 48 लाख के आसपास हो गया, जो पिछले क्वार्टर में 42 लाख के आसपास था। यानी कि आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल कंपनी का धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और फंडामेंटल मजबूत होने की बदौलत ये स्टॉक के शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। फंडामेंटल मजबूत होगा और काम कंपनी का ठीक है ही, तो ओवरऑल एनसीएल रिसर्च इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आगे बढ़ेगा। फ्यूचर में कंपनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको देख सकती है, अच्छा करते हुए देख सकती है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए, समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, ब्रेज भी करते रहिए। जो नए लोग हैं सोच विचार करके इसमें सही समय देखकर एंट्री ले सकते हैं। मुझसे इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।